हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं अभी हूँ चांदनी चौक मार्केट में और आया हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने। तो चलिए करते हैं तो कुछ शॉपिंग, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये गाइस मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये लाल किला है, शायद आपको दिख रहा हो। इधर मार्केट देख सकते हो, धूप मेरे बिल्कुल चेहरा पे आ रहा है। धूप काफ़ी ज़्यादा धूप है, दोनों साइड में मार्केट है और हर जगह पे ऐसा बनाया गया है। ये देखो गाइस, काफ़ी ज़्यादा धूप है, धूप उतना है नहीं, टेम्परेचर नहीं। और गाइस चांदनी चौक, गाइस यहाँ से सिर्फ मार्केट मार्केट है, स्टार्ट मार्केट। चांदनी चौक में एंटर करते ही आपको सिर्फ मार्केट ही मार्केट दिखेगा। काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा। गाइस इधर में लहंगा वहंगा यहाँ से काफ़ी चीज़ें, सेकेंड हैंड कपड़ा एंड चप्पल एक्सेसरीज। दिस इज गाइस, हम आ चुके गुरुद्वारा के पास। गुरुद्वारा मेरे को जहाँ तक कि लग रहा, हम गलत जगह पे आ गए, गुरुद्वारा के पास आए, गुरुद्वारा से पीछे ही था। गाइस यहाँ पे VIP बैग्स का शोरूम था, यहाँ पे एक कोई तक भी सामान आपको मिल जाएगा यहाँ से। आप करना मेरे पास वॉइस कैंसिलेशन का कोई उपाय नहीं है, टिकट्स क्योंकि मैं डायरेक्ट टाइफोन से शूट करता हूँ, आपको पता ही है। डायरेक्ट टाइफोन से शूट करने के बाद कोई भी वॉइस कैंसिलेशन है नहीं। मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपके पास ख़राब जाता हो, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। गाइस ऐसा कहा जाता है कि ये मार्केट काफ़ी पुराना है। गाइस इस मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। गाइस इस मार्केट में काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। भीड़ों से बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, मेरे पड़ोसियों के कपड़े और पड़ोसियों के घर ही ज्वेलरी, शेरवानी वरवानी सब, कोट वगैरह सब, यहाँ पे हर चीज़ आपको रेडीमेड में मिल सकता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप यहाँ से एक सुई भी आप यहाँ खोजोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको आसानी से, और इसे भी खोजोगे तो मिल जाएगा सर। गाइस ये चांदनी चौक मार्केट काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप देख सकते हैं। जैसे इधर पूरा तरफ शॉपिंग है और दुकान है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर। गाइस ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे पुलिस वाले भी है, ये वायर। गाइस जिस मार्केट में महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते सामान मिलते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्राइस में लेते हो, किस तरह से लेते हो, किस तरह से आप शॉपिंग करते हो, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से आराम से, मतलब अपने मनपसंद के सामान यहाँ से आप आराम से खरीद सकते हो। या ये मार्केट इतना बड़ा है कि आप जो भी चीज़ खोजोगे यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब यहाँ समझ लो महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते सामान आपको मिल जाएगा। मतलब ड्रेस हो या कोई सा भी हो, कोई सा भी चीज़ आप यहाँ पर खोज लो, मतलब मिल ही जाएगा। ये ऑल ओवर पूरा मार्केट ही ऐसा बना हुआ है, ये काफ़ी पुराना मार्केट है और काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे सामान एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ का दुकान। फाइनली गाइस हमें भी जाना है अरुणा के शॉप में, अरुणा जो काफ़ी फेमस है चांदनी चौक, पूरा चांदनी चौक। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ सिक्योरिटी चेक भी होता है, विदाउट सिक्योरिटी। तो गाइस आप इसे देख के आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पुरानी सी घर है, आप जिसे देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पुराना है यह मार्केट। कर लिया है शॉपिंग, अब हम जा रहे हैं अपने घर। और फिलहाल मैं अभी भी चांदनी चौक मार्केट में हूँ और यहाँ अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 हो रहा है मैक्सिमम, वही 6:35 हो रहा है। गाइस ये मार्केट काफ़ी अच्छी है, संडे का दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, ऐसा देखा जाए तो हर दिन ही यहाँ पे भीड़ ही रहता है, बट संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहता है मार्केट में। और मार्केट से जा रहा हूँ मार्केट के अंदर आप लोग, मतलब इधर में शॉपिंग करना अच्छा है काफ़ी, अभी वैल्यू फॉर मनी इधर शॉपिंग है, आप आसानी से इधर आके शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे
मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस में ले रहे हो कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ सभी दुकान सभी तरह के हैं। यहाँ पे आपको 1 रुपये का सामान 1,000 में भी मिल सकता है और 1,000 रुपये का सामान 1 रुपया में भी मिल सकता है। राइट बोलते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से लेते हो, किस तरह से आप मैनेज करते हो। इधर में लहंगा शॉप सब कुछ है, मतलब इधर में काफ़ी। काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वीडियो करते ख़त्म, मगर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।